आपने काफी सारे केसेस जो है वो सुने होंगे कि अब गुंडा राज जो है वो सहा नहीं जाएगा और गुंडों के घरों को, महलों को, बिल्डिंगों को तोड़वा दिया गया, बुलडोजर चलवा दिए गए। सुना है कि नहीं सुना? देखे होंगे काफी सारे वीडियोस आपने कि गुंडों के घर को जो है वो सरकार ने तोड़वा दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी काफी राज्यों से ऐसे काफी सारे केसेस सामने आए। बट सोचो कि लीगली ये क्या सही है। इसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताओ कि क्या ये लीगली सही है, लीगली क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ठीक है, क्या ये एथिकली ठीक है? नहीं, मेरी अगर पर्सनल चॉइस अगर पूछोगे तो मुझे लगेगा कि पर्सनली कि हाँ यार बढ़िया है, ऐसे गुंडों का हर्ष यही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडों लोगों ने ना जाने कितने लोगों को नोच कर, दबोच कर, मार कर, डरा कर पैसे जो है वो लूटे और अपना घर बनाया, अपना महल बनाया। उस घर को, उस महल को बनाने के पीछे इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों के आंसू बहाए, कितने लोगों के परिवार को खत्म किया, बर्बाद किया और अपना महल बना लिया। तो अब सरकार बोल रही है कि ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा और उनके बुलडोजर चला दिए जाते हैं, जिसको बुलडोजर जस्टिस कहते हैं, बुलडोजर न्याय, कि गुंडों के साथ यही होगा, हर्ष गुंडों का यही होगा, तो ये बुलडोजर न्याय है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए सालों के साथ। बट आप सोचो खुद, एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति गुंडा है, उसके परिवार तो गुंडागर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर वो एक व्यक्ति गुंडा है और घर तोड़ दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के साथ साथ और भी जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका परिवार जो है जो बेगुना है, तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। उसके जो छोटे बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं कि बाप क्या कर रहा है, बाप कैसा है, बट अन्याय तो उनके साथ भी हो रहा है कि नहीं? सोचो आप इस बात को। तो इसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जो है वो व्यक्त करी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं इसी पर ही कि हमें जो है वो देखने को मिला। बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी जो है पता है कि सरकार जो है वो इस प्रकार से एक प्यूनिटिव मेजर के तौर पर, एक दंडात्मक उपाय के तौर पर, कि दंड देने के लिए कि ऐसे गुंडों का हश्र यही होना चाहिए, उनके घर को जो है वो तोड़वा देती है। जब भी एक व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है या कोई व्यक्ति दंगे वगैरह में इन्वॉल्व होता है, कोई बड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति, राइट, तो उसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ जो है वो सरकार ये इस प्रकार का कदम उठा रही है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के ये चीज करना सही नहीं है, राइट, आप जो है वॉयलेट कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस को, राइट, उच्च प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन है ये तो बिल्कुल सीधे सीधे, क्या बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के किसी के घर को तोड़ रहे हो, तो ये एक प्रकार से इलीगल है जो सरकार को नहीं करना चाहिए। न्यायालय के अनुसार सभी राज्यों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश आवश्यक है, स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन जो है वो जरूरी है सभी स्टेट्स के लिए, स्पेशली अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट, अगर कहीं पर अवैध हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहां पर कब्जा कर लिया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि एक नोटिस देकर जो है वो तोड़वाया जाता है सरकार के द्वारा, बट किसी को दंड देने के लिए उसके घर को तोड़वाना, इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि इसमें भाई आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, राइट, लीगल रिस्पॉन्स के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि सामने वाला कोर्ट में जो है वो अपना केस फाइल करके स्टे लगा सके, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आर्बिट्री डिमोलिशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हर किसी का घर आप ऐसे तोड़ नहीं सकते हो, उनको नोटिस दो और सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दो कि भाई वो आकर उस नोटिस के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं, गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमोलिशन जो हो रहा है ना, मतलब कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये न्याय न्याय करने का काम होता है कोर्ट का, और कोर्ट के बाहर इस प्रकार की हरकतें हो रही है, इस प्रकार से न्याय जो दिखाया जा रहा है वो गलत है, राइट, तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरी चीज जो होनी चाहिए वो कानूनी तौर पर होनी जरूरी है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करें, जैसे कि आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300 है हमारे भारतीय संविधान का, ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति से हटाया तभी जाएगा जब एक कानूनी प्रक्रिया होगी, और मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस, मतलब कि डिमोलिशन, जब तोड़ा गया मनमाने तरीके से किसी के घर को, तो इस प्रावधान का ये उल्लंघन है। तो क्लियरली आर्टिकल 300A क्या होता है और क्या कहता है, जो मैंने भी आपको बताया, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की,
तो ये तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 21। इसके अंदर भी है कि ड्यू लीगल प्रोसीजर बिफोर एनी स्टेट एक्शन, कोई भी अगर राज्य जो है वो कार्रवाई करती है तो उसके पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। आर्टिकल 14 की जो है बात करें तो ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष जो है वो समानता का प्रावधान, कि सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं, राइट, किसी के साथ भी भेदभाव जो है वो नहीं करना है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है कि भाई अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हो दंड के तौर पर, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी अपने विचार, अपने ओपिनियन जो है वो रख सके, अपना पक्ष जो है वो रख सके तोड़ने से पहले, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से आप जो है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज जो कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करके तोड़कर, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सब चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कही है, इस पर समाज पर भी एक बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है एक प्रकार से। देखो इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज तो दोनों होता ही है, कई बार जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था इनोसेंट फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो व्यक्ति तो गुंडा है उसके घर का, घर वाले समझाते भी होंगे कि भाई मत कर, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये वो एक्स वाई जी, अब उस घर में तो और भी सदस्य रहने ना, जरूरी थोड़ा है कि उस गुंडे ने ही वो पूरी बिल्डिंग बनाई हो सकता है कि उसके फादर ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया हो, सेकंड फ्लोर बनवाया, कुछ भी हो सकता है ना, उसके दूसरे अन्य फैमिली मेंबर्स ने, बट सजा किसको मिल रही है, एक के पीछे पूरी बेकसूर फैमिली मेंबर्स को, है ना। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही और भी काफी सारे केसेस चले थे 1978 में, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो भी अगर सरकार कोई भी प्रक्रिया करती है तो वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से मनमानी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी केस था, इसमें आर्टिकल 21 को मतलब आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर जो है वो राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर, इस चीज को जो है वो शामिल किया गया, राइट, जीवन के अधिकार में आजीविका और आश्रय का अधिकार शामिल है, राइट। तो ये चीज के अंदर आई थी, वही सेम चीज कि आप बिना किसी लीगल नोटिस के, डॉक्यूमेंटेशन के, लीगल प्रोसीजर के अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हो तो वो गलत है। केटी प्लांटेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का भी एक 2011 का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम चीज कही कि भाई देखो जो भी प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह जो है वो चल रहे हैं तो वो एक कानूनी ढंग से जो है वो होने चाहिए और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, राइट। ऐसी लोकल लॉ भी है, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953, तो ये भी बोलता है कि अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी जो है वो तोड़नी है या सीज करनी है तो उससे पहले जो है वो नोटिस की आवश्यकता होती है और तहसीलदार जो है वो इस प्रकार के ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे ये कानून हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, बट कानून होने से काम नहीं बन रहा है, उस कानून का प्रॉपर पालन भी तो होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यही कहा कि भाई अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ना चाह रहे हो तो उससे पहले उसको लीगल नोटिस दो और उसको अपॉर्चुनिटी दो कि वो उस नोटिस के खिलाफ जो है वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सके, बस दैट्स इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया हो, और अगर आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।